बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का वीडियो करते हैं जी शुरू। तकरीबन 10:30 हो रहे हैं। आज का जो चारा था वो फजर की नमाज़ के बाद ही कट चुका था, तो मैं वो ले आया था तकरीबन 7 बजे। जल्दी जल्दी में हुआ सब कुछ, इसीलिए वीडियो उस वक्त नहीं शुरू कर पाया, अभी फारग हुआ था। क्यों चारा लेके आया हूँ, उसके बाद मैंने किचन में चला गया था, उधर मैंने वो खाना वगैरह जो सालन था आज का वो मैंने बनाया। आज वो गवारे की फली और गोश्त पकाया था हमने, बहुत ही मज़े का बना। तो अभी नाश्ता करके फिर अपने इधर कमरे में आया हूँ। ये मैंने नमाज से पहले रखे थे ठंडे होने के लिए, तो अभी नमाज़ पढ़ के फारग हुआ हूँ। पहले तो नहाया था, कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, क्यों जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी सुबह टाइम तकरीबन उस वक्त 10:30 का टाइम था, तो वह शुरू करके इधर ही लेटा हूँ तो आंखें लग गई थी मेरी, तो अभी जाग आई है। तो पहले नमाज़ पढ़ी है, फिर ये आम कटवाए हैं मैंने, तो दिल कर रहा था खाने का, उठा था तो अजीब सी तबीयत थी, तो फिर मैंने यही कटवाए हैं। सफेद चौंसा ये मज़े का होता है। आम में इतना मज़ा नहीं आता है जितना मज़ा इस ये खाने में आता है, ये गुठली आम की सारा मज़ा इसी में ही है, तो इसको मैं कभी भी नहीं छोड़ता हूँ। 2 आम खाए हैं और पसीना चेक करें कितना ज़्यादा हो रहा है, और आज लस्सी नहीं पीऊँगा क्यों मूड नहीं है। पहले मैं पीता हूँ आम के बाद लस्सी, लेकिन आज दिल नहीं कर रहा, आज सिर्फ अकेले आम भी। सूरज गुरूब हो रहा है, ये आप दोस्तों को भी दिखाया है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो आज मैं लेट निकला हूँ, काफ़ी लेट हो चुके थे असर के, तकरीबन अब तो मगरिब को भी आधा घंटा रह गया, क्यों बस ये जो 7 दोस्त आता है इसका इंतज़ार करता रहा, तो इसको कुछ काम था घर में उस वजह से इसके इंतज़ार में था, ये काम कर करके फिर मेरे साथ आया। तो बस अभी थोड़ा सा ही जाएंगे, थोड़ा सा टाइम पास करेंगे इधर, तो फिर वापसी भी आना है, क्यों अब्बा जी की कॉल अभी आ जाएगी, क्यों उनको नहीं पता है कि मैं अभी आया हूँ, क्यों मैं असर के बाद घर में गया ही नहीं था, बाहर ही इंतज़ार करता रहा हूँ, फिर मैं 1.25 घंटा इंतज़ार किया। तो वही सोचेंगे ना कि असर के बाद गया, तो इस वजह से वो तो कॉल करेंगे अभी, बस थोड़ा सा टाइम ही बैठेंगे फिर हम चले जाएंगे, क्यों खाने का टाइम है ना इस वजह से वो कॉल करते हैं ये। हम अपनी साइड पे नहीं गए हैं, वो ट्यूबवेल चल रहा है तो आज लेडीज़ नहा रही हैं उधर, तो काफ़ी रश हो रहा है, इसलिए हमने मुनासिब नहीं समझा, उधर जाना अच्छा नहीं लगता है, तो जब वो नहा नहु लेंगी फिर हम जाएंगे उस साइड पे। तो हम दूसरी साइड पे निकले हैं, सीधा ही आ रहे हैं, तो बस इधर से वापसी चलेंगे और जाते देख लेंगे, अगर ट्यूबवेल खाली हुआ तो उधर भी कुछ टाइम पास कर लेंगे, नहीं तो लगता नहीं है कि वो जाएंगे, क्यों काफ़ी
ज़्यादा है, तो ये सीधा इस साइड पे निकले हैं डेरे पे। ये इधर गांव का चौधरी है, उनका डेरा है ये। तो ये इनकी हवेली है, तो उधर इनकी कोठी है दूसरी साइड पे, ये इधर कोठी है इनकी। ये बेचारे की बस सही है गर्मी ने, लत नहीं एडी सौखी फड़ता, काफी ओरी तबीयत ढिली हुई है। ट्यूबवेल अभी फारग नहीं हुआ था, तो इसीलिए हम वापस आ गए हैं, क्योंकि अजानें शुरू हो गई हैं मगरिब की, तो गर्मी काफ़ी थी, उधर खड़ा होना भी मुश्किल था, तो इस वजह से हमने वापसी का इरादा कर लिया। तो अब घर पहुंचते हैं, पहले तो नमाज़ पढ़ेंगे, कि नमाज़ का टाइम हो रहा है, मगरिब की अजानें शुरू हो चुकी हैं, तो फिर उसके बाद देखेंगे खाना वगैरह। ये देखें हमारी मस्जिद की भी अजान शुरू हो चुकी है। ये हमारे आज अरबी का सालन बना है, खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है। नमाज भी हमने पढ़ ली है और खाना भी खा लिया है, तो अभी तकरीबन अंधेरा फुल नहीं हुआ है, चानना है। तो दोस्त है एक, उसका मैसेज आया था कि बाहर जाना है, मगर मेरा इरादा नहीं है क्यों, तो बस घर में उसको मैंने जवाब दे दिया है कि टाइम नहीं है, तो घर में बाकी टाइम गुजारते हैं। और अब मैं घर में ही हूँ, आगे कुछ भी नहीं करना है, ना जाना भाई। तो आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।